बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर हारून और मैं इस वक्त मौजूद हूं पेपर मार्केट पर। देखिए, मैं अभी यहां से जब गुजर रहा था तो मैंने देखा काफ़ी ईद कार्ड्स के कलेक्शन यहां पर लगे हुए थे, क्योंकि सालों से लगते हुए आ रहे हैं। तो अभी काफ़ी इनके स्टॉलों पर काफ़ी सन्नाटा था, तो मैंने बोला कि चलो फिर इस बारे में मालूम की जाए और देखा जाए। तो मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, दुकान है कार्ड कलेक्शन और मेरे साथ मौजूद है उसके ऑनर अनस। तो हम अनस से ही पूछते हैं कि ये क्या वजह है जो ईद करीब होती जा रही है लेकिन खरीदार ईद कार्डों पर नहीं है। तो हम अनस से ही पूछते हैं, वो हमें सही रीज़न बताएंगे। तो अनस कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? तो अनस भाई, सबसे पहले तो ये कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है मार्केट में? वजह ये है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। सोशल मीडिया से जो है सारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। पहले ईद कार्ड का दौर होता था तो इतना रश होता था, आप लोगों ने भी देखा है। हाँ बिल्कुल, जब हम भी छोटे होते थे ना तो हम एक दूसरे कजन को ईद कार्ड दिया करते थे, उसमें एक कोई गिफ्ट भी होता था। लेकिन अभी मैं भी खुद देख रहा हूँ कि काफ़ी रुझान कम होता चला जा रहा है। रुझान कम हो चुका है, तो यही वजह है कि सोशल मीडिया पे लोग धड़ाधड़ शेयर कर देते हैं। एक व्हाट्सएप के जरिए 10 लोगों को ईद विशिंग सेंड कर दी उन्होंने और अपनी जान छुड़ा ली। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा ना। तो अच्छा, आपके पास जो जो कलेक्शन लगा हुआ है अभी जो रिसेंटली बिकता हुआ, वो क्या क्या कलेक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें? ईद कार्ड्स हैं, ये दिखा दें अगर हारिस दिखाएं तो करीब से ईद कार्ड। अच्छा, तो ये अच्छा यही वजह है कम होते जा रहे हैं तो कलेक्शन भी थोड़ी कम होती जा रही है। कलेक्शन भी कम होती जा रही है। अब ये एनवेलप है। अच्छा, ये एनवेलप भी हारिस मुबारक के जो एनवेलप होते हैं, ये मुबारक के, ये देखें भाई एनवेलप, ये मुबारक के एनवेलप हो गए। अच्छा, ये चीजें हो गई, ये देखिए सारी काफी कलेक्शन है, बहुत ज्यादा कलेक्शन काफी चीज है। अच्छा भाई, एक चीज और, एक चीज और मैं रोकूंगा यहां जरा। अरे भाई, ये 500 के नकली नोट भी है, ये भी अब चल रहे हैं क्या बच्चों के लिए? एनवेलप। अच्छा, ये एनवेलप है, भाई देख लो ये एनवेलप जबरदस्त बना हुआ है एनवेलप। अच्छा भाई, अनस भाई, ये सारे जो इतनी क्वांटिटी में लगे हुए, क्या आप होलसेल भी करते हैं इसमें? होलसेल ही करते हैं हम लोग। अच्छा, होलसेल में ही आप करते हैं? अच्छा भाई, ये होलसेल में भी करते हैं, तो ये यकीनन जो बात होंगी लोग तो आपसे होलसेल के मुताब काम में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे आए तो जरा हम ये देख लें बच्चों का भी यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चों में ये आइटम नहीं चल रहे हैं। हाँ, ये बताएं आप जरा। ये देखें, कार्टून कार्टून करेक्टर है। हाँ, ये आइटम है नया। अच्छा, ये आइटम है, ये सारे बच्चों के आइटम, टोटल बच्चों के आइटम है। अच्छा जी, ये अच्छा तकरीबन ये क्या हिसाब होते हैं, क्या मतलब ये कितने का पैकेट है, क्या है ये? 60 रुपए का पैकेट होता है, इसमें 10 पीस होते हैं। अच्छा, ये 60 रुपए का पैकेट है और इसमें 10 पीस है। ठीक है, तो आप अलग अलग भी कोई ले सकते हैं जैसे, या एक ही पीस को हमें लेना पड़ेगा? पूरा पैकेट लेना पड़ेगा, पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कलेक्शन भी आ गए, ये भी लिफाफे ही अनस भाई? ये टोटल एनवेलप है, ये टोटल एनवेलप। तो मेरे ख्याल से ईद कार्ड का काम कम हो गया, एनवेलप ज्यादा आ गए। ये आजकल जो है ये नई कलेक्शन आई है स्लाइडिंग वाले। ये देखें, ये स्लाइडिंग वाले एनवेलप हैं जो आजकल बहुत चल रहा है। ये सिंगल पीस भी अवेलेबल हो जाता है, सिंगल पीस भी। ये जरा हरीश दिखाएं, जरा करीब आए भाई, ये स्लाइडिंग। अच्छा, ये जबरदस्त भाई, इसमें चार डिजाइन है, चार डिजाइन इसमें। अच्छा, और है तो ये भी मेरे ख्याल से एनवेलप के तौर पे, नहीं कार्ड तो नहीं हुआ ना? नहीं, कार्ड नहीं हुआ, ये एनवेलप के तौर पे। ये और ये भी सारे एनवेलप लगे हुए हैं, ये टोटल एनवेलप है। ये मतलब ये वाले हो गए, ये ऑफिस वर्किंग के हिसाब से हो गए, फैंसी मटेरियल में। भाई ये देखें भाई जरा, कार्ड जो लिफाफे हैं ना जबरदस्त लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही अब बिकते होंगे ज्यादा, इसी का रुझान चल रहा। तो भाई देखें, ये हारिस जो दिखा भी रहे हैं आप लोगों को सारी चीज़ें, तो बात सारा सिर्फ ये देखें दिखाने की वजह ये थी कि ईद कार्ड, कार्ड का रुझान बहुत कम हो गया है। कार्ड जैसे पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, हम अपने दोस्तों को या कजन्स को कार्ड सारे दिया करते थे, अब उस हिसाब से वो सीज़न नहीं चल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया ने ये तकरीबन ये चीज़ों को कम कर दिया है। तो इस पर काम पर भी काफ़ी अफेक्ट हुआ होगा आपका? काम पर भी अफेक्ट हुआ है, बिल्कुल ऐसा है, काम में भी अफेक्ट, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप हारिस ज़्यादा दिखा देते कि वहाँ पर भी जो कलेक्शन पड़ा हुआ है, ये पॉकेट साइज है जो एंड में लगा हुआ है ये भाई। अच्छा, ये नाम लिख के ईद मुबारक, ठीक है। अच्छा, ये पहले से मौजूद है, इसमें कलर्स भी आप देख लें, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। भाई नाम लिखें आप और की ईदी पर चला जाएगा, सही है ना? ये डायरेक्ट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है 2022 में, न्यू कलेक्शन। अच्छा, बच्चों के लिए ज़बरदस्त, अच्छी। अच्छा भाई देखें, ईद कार्ड का कलेक्शन भी दिखाया इन्होंने और एनवेलप काफ़ी सारे लगे हुए थे, ये कलेक्शन भी दिखाया इन्होंने। तो ये तो हो गया सिर्फ रमज़ान में, या रमज़ान का ही आपका काम है? रमज़ान सी है रमज़ान में, और इसके अलावा? इसके अलावा शादी कार्ड है 12 महीने। अच्छा, शादी कार्ड का आप दिखा रहे तकरीबन, कार्ड कलेक्शन के नाम से, कार्ड कलेक्शन के नाम से 12 महीने इनके शादी का कार्ड का काम है। तो आइए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि शादी कार्ड में क्या क्या वैरायटी इनके पास मौजूद है, और फिर हम इनसे बात करेंगे, इनसे रब्ता किसी को करना हो कार्ड बनवाने के लिए तो वो क्या क्या डिटेल है, आइए। हाँ, तो अनस भाई देखें, हम आ गए अनस भाई की शॉप पे भी, ये काफ़ी कार्ड्स की, शादी कार्ड्स की वैरायटी इनके पास माशाल्लाह से लगी हुई है। तो अब अनस भाई से ही हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं
कि अनस भाई कितने क्या हिसाब होते हैं ये शादी कार्ड जो आपके पास लगे हुए हैं, ये क्या क्या रेट होते हैं? शादी कार्ड नॉर्मल में भी होते हैं, फैंसी में भी होते हैं, कस्टमराइज भी होते हैं। अब अक्सरियत कस्टमर आते हैं कि हमें ऑर्डर पे बनवाने, अपने माइंड से जो वो सिलेक्ट करके आते हैं, कोई भी पिक्चर अपलोड करी हुई हो वो भी हम लोग बनाते हैं। मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखा भी देता हूँ बिल्कुल, ये जो कस्टमराइज में बनी हुई हैं। अच्छा, जो बनी हुई आप दिखा दें। हाँ, आजकल ये बहुत इन हुआ हुआ है, एक्रेलिक इसे कहते हैं, एक्रेलिक में चल रहा है। एक्रेलिक, अच्छा, एक्रेलिक ये क्या शीट है, ये क्या है ये कार्ड? प्लास्टिक एक्रेलिक की शीट में बनता है ये। अच्छा भाई, ये जबरदस्त यार, ये शीट पे बना हुआ है, काफी जबरदस्त और खूबसूरत आइटम दिख रहा है ये तो। ये तो क्या प्राइस क्या है इसकी, मतलब क्या अगर कोई कस्टमर आता है? नॉर्मल प्राइस है 100 रुपीज ईच पीस होता है ये। अच्छा, 100 रुपीज पे ईच पीस है जी, एक ही हो गया। और अगर आप और ज्यादा एक्सपेंसिव जाएंगे, ये फैंसी कलेक्शन है। अच्छा, जबरदस्त भाई, ये भी एक हो गया। और ये जो नॉर्मल जो एक रूटीन में जो चलते हैं, नॉर्मल रूटीन में ये वाले चलते हैं आजकल, ये फ्लावर में चल रहे हैं, ये देखें ये फ्लावर। हाँ, ये जबरदस्त, ये फ्लावर आइटम है। इसके क्या रेट हैं अगर कोई आपसे? 35 ईच पीस है ये। अच्छा, 35 का ईच पीस है जी, 35 ईच पीस है। अच्छा, कम रेंज वाले भी आपके पास? कम रेंज वाले भी है, सबसे कम रेट ये है, ये देखें, ये 10 रुपए का कार्ड है। अच्छा, ये दिखाइएगा, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं जरा दिखा दूँ अपने देखने वालों को। भाई ये देखें, ये सबसे कम रेट 10 रुपए का कार्ड है आज के टाइम पे। भाई 10 रुपए में इतना बड़ा कार्ड मिलना बड़ी अच्छी बात है, तो आप देख लें। और इसमें कोई कलर्स और जो भी आप डिसाइड करें? इसमें 3 कलर हैं, 6 डिजाइन है। अच्छा, 6 डिजाइन और 3 कलर, भाई जबरदस्त। हर डिजाइन में 3 कलर है। अच्छा अनंत भाई, साथ में ये भी है कि लोग जैसे कि अब नाम भी लिखवाने होते हैं, डेट लिखवानी होती है, तो उसके लिए कोई अलग चार्जेस होते हैं? प्रिंटिंग चार्जेस तो अलग ही होते हैं, ये कार्ड चार्जेस हैं। प्रिंटिंग चार्जेस सिंगल कलर होती है, 2 कलर होती है, फॉइल प्रिंट होती है, इम्बोज होती है। प्रिंटिंग में बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी जो कस्टमर लाइक रिकॉर्ड करता है, हम वो उसको पूरी करके देते हैं। तो वो भी आप लोग कर देते हैं? सब चीज़ हम लोग कर देते हैं। और मैक्सिमम कितना टाइम लेते हैं आपके ऑर्डर दे और उसको कितने दिन में फिर मिल सकते हैं? 2 से 3 दिन में दे देते हैं। 2 से 3 दिन में दे देते हैं। भाई ये जबरदस्त बात हो गई कि 2 से 3 दिन में भी तैयार हो जाता है। और कार्ड्स की काफ़ी वैरायटी थी, असल में हम लोग तो आए थे ईद कार्ड की वजह से, लेकिन ईद कार्ड का रुझान हमने आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि बिल्कुल सन्नाटे लगे हुए हैं। तो हमने इनसे, अनस भाई हमारे साथ मौजूद थे, हमने अनस भाई से भी पूछ लिया ईद कार्ड्स के बारे में, और इनकी अपनी खुद शॉप पे भी हम पहुँच गए, तो हमने इनसे शादी कार्ड के बारे में भी बात कर ली। तो देख लिया आपने सारी वीडियो, अब मैं चाहता हूँ मुझे आप इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।